21 नकल प्रकरण, मास्टरमाइंड पौरव कालेर गिरफ्तार। इनामी अपराधी को डीएसटी ने जोधपुर से दस्तयाब किया है। गंगा शहर जैन बीसी पुलिस थाने में ये प्रकरण दर्ज था। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पुलिस की पूछताछ में कई और बेनकाब हो सकते हैं, कई नाम और सामने आ सकते हैं। आईजी ओम प्रकाश का बयान, दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। आईपीएस अमित कुमार, हेड कांस्टेबल दीपक यादव की इसमें अहम भूमिका रही है। तो मास्टरमाइंड पौरव कालेर को गिरफ्तार किया गया है। बीकानेर से ये बड़ी खबर आपको बता रही है, पटवार भर्ती 2021 नकल प्रकरण और इसमें अब मास्टरमाइंड पौरव कालेर को गिरफ्तार किया गया है। सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, मास्टरमाइंड गिरफ्तार और इसके साथ ही कई और नाम भी सामने आ सकते हैं। कि निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता मिली है। लगातार ये व्यक्ति फरार था, जो आरोपी था, 5000 का इस पर इनाम था। सीकर, जोधपुर, गुजरात के कुछ हिस्सों में, उदयपुर, जयपुर, इसने फरारी काटी। और देखिए एक बात और है कि ये एक तरह से कह सकते हैं कि इसका परिवार में एक और व्यक्ति था, तुलसाराम कालेर, जिसका आपको याद होगा चप्पल में नकल रीट के दौरान कराई गई थी, उसमें वो शामिल था, यानी फैमिली कनेक्शन भी है। तो इस पूरे मामले को लेकर जो है हमारी आईजी ओम प्रकाश से बातचीत हुई, जिनके नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। एसएसपी सिटी आईपीएस ऑफिसर अमित कुमार, उनसे हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि कुछ एक नाम और भी आ सकते हैं। 5 बजे शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आईपीएस अमित कुमार, पूरी जानकारी इस मामले में देंगे। लेकिन बड़ी खबर, बड़ा अपडेट अब तब दे रहे हैं जब रीट को लेकर एक तरफ सड़क पर रार है। आप देख पा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले ही किस तरह से विरोध कर रही है भाजपा। तो इस बीच पटवार भर्ती को लेकर जहां भी कुछ घपला हुआ है, उस मामले में राजस्थान पुलिस गंभीर है और आज की कार्रवाई यही बता रही है। 5000 का इनामी बदमाश जो है पकड़ में आया है, जोधपुर से उसको दस्तयाब किया गया है। डीएसटी टीम की भी अहम भूमिका रही। हेड कांस्टेबल दीपक यादव ने इस पूरे मामले में इसकी एक तरह से रेकी करते हुए मोबाइल के जरिए ये तमाम चीजें हुई। लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया।